मैं आग्रह पूर्वक निवेदन करना चाहूँगा, बहुत लोग इसमें परेशान हैं, भैया बोलता नहीं है, चाचा बोलता नहीं है, मम्मी पापा भी बोलते नहीं है, इन सब लोगों ने मुझे निष्कासित कर दिया है। बेचारे विभीषण को भी तो लात मार के छाती में लात मारी थी, और वो विभीषण जिसने दिनरात एक कर दिया था, विदुर को इतना मारा गया था, पटक पटक के मारा, उस धूर्त दुर्योधन ने इतना मारा, दुर्योधन ने उस महात्मा विदुर को, लेकिन धन्य है विदुर, अपमान सहन किया, विभीषण ने अपमान सहन किया। ये संसार अपमान के अलावा और कुछ देने वाला भी नहीं है, इसके पास है क्या सो देगा, क्या है वो थोतला है, कुछ नहीं उसके पास, और आप भूले बैठे हैं, और उस ईश्वर को जहां भगवान उसको लंकेश कह के बोलते हैं, सुग्रीव ने कहा था रावण मरा नहीं और आपने इसको लंकेश बना दिया, आपकी बात झूठी हो जाएगी यदि रावण नहीं मरा तो। भगवान ने कहा सुग्रीव तुम क्यों चिंता करते हो, मैंने इसको राजा बना भी दिया है, लंका का राज नहीं दे पाऊंगा तो विभीषण को लेके जाऊंगा अयोध्या गद्दी पर, इसको बिठाकर हम चारों भाई इसके चरणों की सेवा करेंगे। ऐसे भगवान दयालु कृपालु हैं, और ये निष्ठुर जीव ऐसे ईश्वर को छोड़कर इधर उधर भटक गया। पति बात नहीं करता तो परेशान, पत्नी बात नहीं करती तो परेशान, बेटा बात नहीं करता तो परेशान, साड़ू बात नहीं करता तो परेशान। पता नहीं तुम्हारी परेशानी को दूर करने के लिए कौन सा इंजेक्शन है, मैं ढूंढने में लगा हूं मिल नहीं रहा है मुझे। संसार को नहीं आप समझ में, ये दुनिया है, दुनिया का अर्थ है हर क्षण हर पल रंग बदले, ये दुनिया है, ये संसार के झमेले में मत पड़ो, अपने कर्तव्य पूरे करो संसार के साथ। और धर्म तो वही है ईश्वर को धारण करना, ईश्वर के आदेश को धारण करना, धम धारयति धर्म, परमात्मा के आदेश को धारण करोगे वही तो धर्म है। सत्य के साथ जीवन का निर्वहन करो, क्यों धर्मन दूषरी सत्य समाना धर्मन दूषरी सत्य समाना आगमनी गमल पुराणे बताना धर्मन दूषरी सत्य आगमनी गम पोराणे बकाना धर्मन दूसरे सत्य समाना आगमनी गम पोराणे बकाना।